हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए व्लॉग में। और ये ड्रेस देख के आप लोगों को पता लग गया होगा, अब हम भी जा रहे हैं कांवर यात्रा के लिए सुल्तानगंज। और अभी पहुंच चुके हैं देवघर स्टेशन। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी हम लोग सब कोई दोस्त लोग देवघर स्टेशन पहुंच गए हैं। यहां से कुछ ही देर बाद ट्रेन है, तो यहां से हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे और कल कांवर यात्रा का प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप सभी को इस वर्ष का कांवर यात्रा भी हम दिखाएंगे। और बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर कॉमेंट कर रहे थे, अजगबीनाथ मंदिर दिखाइए, सुल्तानगंज का ब्लॉग दिखाइए। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको अजगबीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज घाट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए आज के इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। तो कांवर यात्रा के दौरान हम लोग जब ऑटो से देवघर स्टेशन जा रहे थे, उस दौरान देखिए कितने अधिक संख्या में कांवरिये बढ़ रहे थे। सब कोई सोमवार को बाबा के यहाँ जलार्पण करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को दिखाते हुए जा रहा हूँ किस प्रकार का नजारा है कांवरिया पथ में। बहुत ही कम ऐसा नजारा देखने को मिल रहा था मलय मास में, और सावन जैसे ही प्रारंभ हुआ दो दिन बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से ऑटो से देवघर स्टेशन पहुंचे। देखिए यहाँ पर अभी ऑटो वाले को हम लोग किराया दे रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग स्टेशन परिसर की तरफ बढ़ दिए, क्योंकि जल्दी से हम लोग को जाना पड़ेगा। ट्रेन आ जाएगी तो फिर सीट नहीं मिलेगा। तिरंगा तो आपको हमने दिखा दिया, और ये रहा देवघर स्टेशन। तो चलिए स्टेशन परिसर के अंदर चलते हैं और जाकर टिकट कराते हैं। तो यही इसी प्रकार से जो है देवघर स्टेशन में हम लोग प्रवेश किए, जो कि अभी आपको हमने दिखाया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग जब गए वहाँ पर टिकट काउंटर में पहले से ही लाइन लगी हुई थी, तो जल्दी से हम लोग भी लाइन में लगकर सबों ने इस प्रकार से टिकट खरीदा और फिर सबको फ़ोटो खींच के दे दिया, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा टिकट था। उसके बाद यहाँ पर एक अनोखाई चीज़ देखने को मिला। तो भाई सावन में ही ऐसा होता है, टिकट आपको दिखाना पड़ेगा तभी आप प्लेटफॉर्म में इन कर सकेंगे। ऐसा जो है व्यवस्था सिर्फ सावन में ही रहता है। तो अभी सब कोई टिकट दिखा दिखा के इन कर रहा है, दूसरे समय आपको टिकट दिखा के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन सावन में टिकट दिखा के इन करना पड़ेगा। तो टिकट कटा के सब कोई अंदर जैसे ही पहुंचे, उसके बाद हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने लगे, कि यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड ही बनाया गया, तो नीचे नीचे ही हम लोग यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर चल दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक ट्रेन आई सुल्तानगंज से, उसके बाद कितने ज़्यादा कांवरिया यहाँ पर गंगा जल लेकर उतरे हैं। बस अभी हम लोग कुछ ही देर पहले यहाँ पर देवघर स्टेशन पहुँचे हुए हैं, और ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है। और हमारे गांव से आज बहुत सारे कांवरिये बम जी सब जा रहे हैं सुल्तानगंज के लिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा अभी देखने को आपको मिल रहा होगा देवघर स्टेशन में। और ये सब कोई जो कांवरिये बम जी देख रहे हैं, अधिकतर हमारे गाँव के ही कांवरिये, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है अभी यहाँ पर देवघर स्टेशन का। और भी मेरे साथ जो भी कांवरिये बम जी सब जा रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सब कोई को अब आगे आपको चार पांच ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सब कोई अभी विश्राम कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद हम लोग का यहाँ से ट्रेन है, तो ट्रेन पकड़ कर आगे जाएंगे। और इस वर्ष पहली बार हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन का मजा लेते हुए जाएंगे। आगे भी आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अब ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है। तो देख सकते हैं अभी ट्रेन लग चुकी है और हम लोगों ने सीट भी ले लिया है। चलिए अब शानदार सफर में धीरे धीरे बढ़ते हैं सुल्तानगंज की तरफ, और वहाँ से कल कांवर लेके हम लोग चलेंगे। तो कांवर यात्रा का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। तो चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ पर उधर एक ट्रेन लगी हुई है, और बासुकीनाथ के लिए अभी स्पेशल ट्रेन आएगी दो नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन लगी हुई है। तो इसी से हम लोग अभी जाएंगे सुल्तानगंज, और ये एक्सप्रेस है। देखिए अब ये एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है, लोकल ही है, लेकिन अभी मेला के लिए इसे स्पेशल एक्सप्रेस बना दिया गया है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है पूरे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सब कोई कांवरिये अभी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और पहली बार हम लोग भी इसमें सफ़र करने वाले हैं, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा ग्रुप पूरा यहाँ पर है, देख सकते हैं। चलिए इसी में हम लोग चलेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पर सीट लेके रखा हुआ है। हर हर महादेव। अब ट्रेन खुल चुकी है और हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ। शानदार नज़ारा आपको दिखाते हुए चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जाली जो है लगा हुआ है, ग्रिल इस प्रकार का है, जिस कारण से आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा बाहर का नज़ारा देखने में। लेकिन फिर भी जितना भी होगा कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा नज़ारा दिखाते हुए सुल्तानगंज तक लेकर जाने का। आगे कांवरिया पथ का जो है वो भी नज़ारा देखने को मिलेगा, पूरा कांवर यात्रा दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेन में कुछ ना कुछ खाते गए, क्योंकि बहुत ही शानदार सफर हम लोगों का था।
और कांवरिया पथ भी बगल से गुजर रहा था, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से कांवरिया पथ भी हम लोग देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ कुछ जगह पर शानदार नजारा भी देखने को मिला प्रकृति का। और अगर ट्रेन की बात करें तो इस प्रकार से पूरा ट्रेन जो है भर चुका था, कांवरिया बम जी सब नीचे बैठ के सफर कर रहे थे और इसी प्रकार से हम लोग जो है शानदार सफर का नजारा देखते हुए पहुंचे सुल्तानगंज। सरकारी भाई लगभग 4 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज और ओवरब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं। सब कोई पीछे बोलबम का जयकारा लगाते बढ़ते हैं आगे। यहां से स्टेशन से निकलकर अब बढ़ दिए हैं आगे गंगा घाट की तरफ और पूरे में जो है कांवरिया बम ही नजर आ रहे हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से पूरा जो है रास्ता कांवरियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं कांवरिये यहाँ से जल लेकर जाने के लिए। देख सकते हैं सब कोई बोलबम का नारा लगाते हुए ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सुल्तानगंज पहुंचने के बाद सब कोई हम लोग एक जगह रुके और हम लोग ठहरने के लिए होटल देख रहे थे और पूरा कांवरिया पथ में इस प्रकार से कांवरिये बम जी सब बढ़ ही रहे थे गंगा घाट की तरफ। देखिए किस प्रकार का नज़ारा है, पूरा कांवरिया पथ जो है इस प्रकार से कांवरियों से भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। और कुछ जो है हम लोग साथ जो भैया लोग आए हुए थे वो होटल में जो है रूम लेने के लिए अंदर की तरफ गए हुए हैं। उसके बाद हम लोग अभी जो है देख रहे हैं कहाँ पर और रूम लिया जाए, कहाँ पर सस्ता मिलेगा। तो देख सकते हैं सब कोई बाहर में अभी खड़े हैं और ये रहा कांवरिया पथ। और वहाँ से फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, पूरा कांवरिया पथ जो है इस प्रकार से कांवरियों से खच्चम खच्चा भरता ही जा रहा था। धीरे धीरे जैसे ही शाम ढल रही थी कांवरियों की संख्या में वृद्धि होता जा रहा था, जो कि अभी आप खुद से देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। और साथ ही इस प्रकार से बहुत सारे मोटरसाइकिल बम यहाँ से कांवर लेकर निकल रहे थे, गंगा जल लेकर निकल रहे थे, जो कि अभी आपको हमने दिखाया। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही मोड़ के पास पहुंचे जहां से दो तरफ कांवरिया पथ जाता है सुल्तानगंज का, एक जाता है नमामि गंगे घाट की तरफ और दूसरा जो है अजगबीनाथ मंदिर के घाट की तरफ जाता है, वहां पर भी कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला। फिर हम लोग आगे की तरफ वहां से बढ़ होटल वगैरह बुक हो जाने के बाद हम लोग घूम के आए चारों तरफ से और उसके बाद होटल के छत पर चढ़े और छत से ये क्या शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अजगबीनाथ मंदिर आपको दिख रहा है और उधर पूरे में जो है गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। मैं जो है फिर से जूम आउट करके अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारा घर और आगे आपको अजगबीनाथ मंदिर दिख रहा है। देखिए फिर से मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपने देखा हम लोग अब सुल्तानगंज पहुँच चुके हैं और पीछे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अजगबीनाथ मंदिर। और कल हम लोग सुबह को यहाँ से कांवर यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसका वीडियो आपको आगे एक एक करके चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे कांवर यात्रा के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। तो चलिए यहाँ पर अभी रूम ले रहे हैं, यहाँ पर आईडी प्रूफ देने के बाद चलिए रूम लेते हैं। तो होटल वगैरह लेने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे थोड़ा नाश्ता करने के लिए। और देखिए ये मिलोनी बहुत ही अच्छा 25 रुपया प्लेट, जिसमें कि चॉप वगैरह सारा कुछ मिला के दिया जा रहा है, सब कुछ मिक्स है इसमें। देखिए